में कोरोना का क्या अपडेट है? बीते 24 घंटों में कितने लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, कितने लोगों की रिकवरी, कितने लोगों की जान चली गई, आपको हम बताते हैं। बीते 24 घंटे में 670 नए संक्रमित मिले, 3 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3,885, देखते ही देखते आंकड़ा 4,000 के पार पहुंचने वाला है। हालांकि आज संडे है और आज के दिन टेस्टिंग कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि आज कोविड के केसेस कम ही सामने आएंगे, लेकिन कल 4,478 लोगों का टेस्ट हुआ था, जिनमें 600 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। अब तक पूरे प्रदेश में 4,000 से ज्यादा लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बूस्टर डोज भी अब सरकार की तरफ से फ्री में लगाई जा रही है। सितंबर तक टारगेट रखा गया है कि सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, और बार बार जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लगाइए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 670 नए संक्रमित पाए गए हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा पूरे हिमाचल की जानकारी देंगे। विकास, बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 670 नए संक्रमित यहां पर पाए गए और 3 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ मंडी जिले में हुई। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि आखिरकार कोरोना संक्रमण फैलने के कारण क्या है, और ऐसे में जो पहले की तरह जिस तरह से प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर किया जाता था, अभी फिलहाल इस तरह से पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है क्योंकि बंदिशें बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार जो है आने वाले दिनों में ये सारी बंदिशें जो है वो अब लागू कर सकती है, इस बात के संकेत मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार दे रहा है, लेकिन आखिरी फैसला कैबिनेट को लेना है। आने वाली कैबिनेट में जरूर मंथन होगा, चिंतन होगा, एक प्रेजेंटेशन जो है स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की है, एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और उसके बाद इसके ऊपर अमल जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से 670 नए मामले आए हैं और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग है वो उसके ऊपर जो है अब जोर दिया जा रहा है, करीब 4,500 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच रहा है जब लोगों की टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर रोजाना की जा रही है, और अब इसे और बढ़ाने की जो बात जो है वो स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब मौत जो है वो लगातार होनी शुरू हो गई है कोरोना संक्रमण से, और 4 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई है, 1 जिला ऊना से रिपोर्ट हुई है और 3 मंडी से रिपोर्ट हुई है। और ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ये संक्रमण जो है और घातक सिद्ध हो सकता है, इस बात के कारण जो है वो तलाशे जा रहे हैं और लोगों को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की हिदायत जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है, और यही नहीं जो जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो जिले हैं, तमाम जो जिला उपायुक्त हैं, सभी जो जिलाधीश हैं, उनको ये बात कही जा रही है कि अब आप जो उचित दूरी है या फिर जो कोरोना प्रोटोकॉल के मास्क लगाने जैसे जो बड़े कारण हैं, आप इनको देखें और सुनिश्चित करें कि अब ये आने वाले दिनों में लागू किया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया महिमा की, कैबिनेट जो है वो आखिरी फैसला इस पर लेगी, और जो 28 तारीख को कैबिनेट जो है वो होनी है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के अंदर ये बैठक। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ सोलन से चिन्मय कौशल भी जुड़े हुए हैं, सोलन का अपडेट उनसे ले लेते हैं। सोलन की बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ा क्या है, बीते 24 घंटों में कितने लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई? चिन्मय, मैं ना यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ सोलन में बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 120 के करीब जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, और इसमें रोज 4 से 5 लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चिंतित है, लेकिन अभी तक कोई भी दिशा निर्देश है प्रदेश सरकार से नहीं आए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की जो नियम है उनको कितनी सख्ती से यहाँ पर लागू करना है अभी। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो ये सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि आप कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इससे डर के रहिए, और जो मास्क है दूसरी चीजें हैं वो डाल कर रखिए। ठीक है जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सौरभ अटवाल धर्मशाला से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूरे कांगड़ा जिले की अगर बात करें सबसे बड़ा जिला है और यहीं पर सबसे ज्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं, बीते कुछ दिनों में हमने देखा। आज की बात की जाए तो क्या रिपोर्ट है, कितने लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव आई? जी बिल्कुल महिमा, बताना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा में जो कोरोना के मामले जो है लगातार
दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भी जो है जो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो भी बढ़ चुकी है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विभिन्न टीमों का भी गठन किया है, और ये टीमें जो है अब जिस तरह से जहां पर्यटक स्थल होंगे या जहां पर लोग एकत्रित होंगे वहां पर जाकर जो है कोविड प्रोटोकॉल नियमों की जो पालना है उनको करने की जो है वो हिदायत जारी करेंगी। जी महिमा, बूस्टर डोज लगाने का क्या प्लान है सौरभ अटवाल? बिल्कुल महिमा, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए जो है अब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सीएमओ द्वारा भी जिला कांगड़ा के लोगों से ये अपील की गई है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के विभिन्न जगहों पर जो है वो कैंप लगाए जा रहे हैं और सभी लोग जो है इन कैंपों में जाकर जो है बूस्टर डोज लगवाएं। जी महिमा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सौरभ अटवाल। तो अभी तक हमारी विरुचि विकास शर्मा सोलन की जानकारी हमने आपको दी, साथ ही कांगड़ा जिले में क्या अपडेट है ये भी हमने आपको बताया कि कितने लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव यहां पर आई है और किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह से लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग सावधानी बरतिए। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली 27 को और इस कैबिनेट की मीटिंग के जरिए फैसले लिए जा सकते हैं, अगर कोविड के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो प्रशासन को सरकार की तरफ से संदेश दिए जा सकते हैं। बीते 24 घंटों में 4,711 सैंपल लिए गए जिनमें से 600 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। संक्रमण दर 15.94% पूरे प्रदेश का जा पहुंचा जो कि पहले 12% था। बात बूस्टर डोज की करेंगे, बूस्टर डोज लगाने की कवायद तेज हो चुकी है। 146 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी पूरे हिमाचल में। सोमवार से 146 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से टारगेट रखा गया है कि 30 सितंबर तक सभी लोगों को बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। सरकार की तरफ से भी टारगेट दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को।